राजस्थान में जाट वोटरों को अपने साथ करने के लिए बीजेपी ने नया दांव खेला है। प्रदेश की राजनीति में जाट वोटर पर अच्छी पकड़ रखने वाले आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। बेनीवाल खुद अपनी पार्टी आरएलपी की टिकट पर नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी की सीटों पर बेनीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी का मानना है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कम 7 सीटों पर बेनीवाल की अच्छी पकड़ है, जो कि चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी चाहती है कि सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू हनुमान बेनीवाल बीजेपी का प्रचार करें। राजस्थान के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बेनीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि वो राजस्थान में बीजेपी के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। चलेंगे, मेरे पर बार बार लोग आरोप लगाते हैं। मेरे 3 विधायक जीत के आए, बसपा से एक भी शिव कुमार के विधायक नहीं जीता। हनुमान बेनीवाल के 3 विधायकों में से 2 शिव कुमार के विधायकों को मैं मेरता और भोपाल फिर से जीता के साथ आया हूँ, वो भी मुझे जी जान से राजस्थान करने लगे। छत्तीस प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक बेनीवाल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा और यूपी में भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर वोटरों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े, नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके सभी कार्यकर्ता इसके लिए जोर से प्रचार करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है और ऐसे ही अच्छे अच्छे समाचार हम देते रहेंगे आपको। वही राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेनीवाल और बीजेपी के बीच गठबंधन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए इसका फैसला जनता पर ही छोड़ दिया है। पायलट ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया, लेकिन खुद पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, नौजवान, रोजगार, किसान, महंगाई, निवेश, इस पे चर्चा है। ये मुझे समझ नहीं आता प्रधानमंत्री जी किस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। और जितनी बार वो वार्ता करते हैं, जितनी बार वो पाकिस्तान गए, शायद मनमोहन जी 10 साल में एक बार नहीं गए। वो शादी में, खाने में, तोहफे देने में, उनको बुलाने में, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया था? नवाज शरीफ आए थे कि नहीं आए थे? वो वहां गए नहीं गए उनके गले मिलने शादी ब्याह में खाना खाने के लिए? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म उस समय के पाकिस्तान में हुआ मनमोहन सिंह जी का, एक बार वहां नहीं गए? आने जाने की बात नहीं है, आपकी पॉलिसी क्या है? कभी ये कहो, कभी वो कहो, आपको सूट करे जो कहो। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वसुंधरा की नाराजगी के बावजूद हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे बीजेपी को लोकसभा की ज्यादा सीटों पर काबिज होने में मदद मिल सकती है। इस बार नागौर से आरएलपी के अध्यक्ष बेनीवाल कांग्रेस की ज्योति मिर्धा के खिलाफ नागौर से मैदान में, जिसकी वजह से चुनावी रण में नागौर की सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से देवांकुर की रिपोर्ट।